गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अजय। हमें पढ़ते घूपर जो न्यूज और यूज नेट ये पढ़ते तापर अनदर टूल जो हमें पढ़ा से घूपर। तो घूपर इज व्हाट इट इज अनदर टूल ऑफ इंटरनेट इज घूपर ए मेनू बेस्ड प्रोग्राम दैट एनेबल यू टू ब्राउज फॉर द इंफॉर्मेशन विदाउट नोइंग वेयर द मटेरियल इज लोकेटेड। ना आम इनफर्मेसन गुड़ाक सर्च करवा एमती जगार आमको से इनफर्मेसन कौटी अच्छी जानवा दरकार ना सी तरह ऑटोमेटिक सर्च करके आमको देखे। ओके तो दैट इज कॉल्ड द गूपर। मैंने यदि आम देखा गूपर टा कौन देख सिंपल वीडियो देखे दूचे गोफर इट इज अ सिंपल वीडियो गूपर। Writing's not that easy, but Grammarly can help. Is it? Sentence is grammatically correct, but it's word. नमस्कार, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका अपने यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, एक स्पेशल प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है गोपर। क्या नाम है? इसका नाम है गोपर प्रोटोकॉल। इसका ये स्पेशल प्रोटोकॉल होता है, स्पेशल वे में यूज किया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर प्रोटोकॉल की वीडियो नहीं देखे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल की वीडियो नहीं देखे हैं, तो भाई फटाफट ऐसा करो, फटाफट जाकर के प्लेलिस्ट में इंटरनेट के ऑप्शन से आप जाकर के फटाफट पहले वो वीडियो देख लो, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखो, तब ये समझ में आएगा। ठीक है, प्रोटोकॉल को हम लोग क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? प्रोटोकॉल को हम लोग कहते हैं सेट ऑफ रूल्स। तो उसी प्रोटोकॉल का दो पार्ट होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक प्रोप्राइटरी होता है। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का ही होता है एक पार्ट, ध्यान से हमारी बात को समझ लीजिए। और इसी गोपर प्रोटोकॉल की पूरी डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों इसी वीडियो में, तो आप लोग आखिरी आखिरी मिनट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो मैं बात कर रहा हूँ रत्नाकर उपाध्याय और आप देख रहे हैं यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। तो
पवित्र कुछ हम लोग अच्छा देखते हैं देखिए हम लोग बात करने वाले हैं गोफर प्रोटोकॉल के बारे में किसके बारे में बात करने वाले हैं गोफर प्रोटोकॉल के बारे में बात करने वाले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि प्रोटोकॉल मींस क्या होता है सेट ऑफ रूल्स क्या होता है सेट ऑफ रूल्स होता है यानी मतलब क्या होता है कि जैसे Okay, so I will explain it. It is not showing you proper video. Gopher is actually, it is a protocol like it is a HTTP and it is used for searching and retrieving the documents. Jemti ki ame Google re kon use koruche information jodi ame kichi information dorkar we are searching all the documents from the Google. The similar way, Gopher is another protocol through which we can searching the information from the internet. It may be a video, it may be any documents, anything that you can retrieve. But the design of the Gopher protocol is that it is a menu based. Okay, jemti ki ame eti search koruche Google re, ye automatic amko hyperlink re dekhauchi. Mane gote gote link dekhauchi, se link upare click kale, amko next page ku nauchi. Kintu eta hauchi menu driven. माने मेनू ऊपर क्लिक करले हमको इनफॉरमेशन टा शो करियो एंड दिस वाज डेवलप्ड इटा डेवलप्ड हेतला बाय मार्क पी मैकिल ये पर्सन थिले जे यूनिवर्सिटी ऑफ मानिस्टा से इटा को डेवलप कर दिले तो बेसिकली हमको मने रखियो रहौछि जे गोपर होछि गोटे मेनू बेस प्रोटोकॉल जोटा के हमें पढ़तले इज अ सेट ऑफ रूल टू एक्सेसिंग द इंटरनेट तो ये प्रोटोकॉल थ्रू रे हमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट डिफरेंट लाइक फाइल ये सब हमें सर्च कर परियो तो ये लिखो व्हाट इज गोफर इट इज ए मेनू बेस्ड protocol that provide the ability that provides the ability to extract and view the web documents stored on the web servers Next point, it is designed, it was designed to access a web server or database via internet. ओके सो नेक्स्ट इज टेलनेट तो टेलनेट टा कोन मोर एठी सिस्टम अछि मु धर तुम पाखरे जो कंप्यूटर अछि ता भीतर किछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करबा को चाहू छी किंबा किसी अपडेशन करबा को चाहू छी जरा तुम निजे पारु न जेम कि हमें धर कोनसी ब्रांड रो कंप्यूटर किनले फर्स्ट सपोर्ट टीम से माने कोन करिवे ना तुम्हारा सिस्टम को रिमोटली नेबे रिमोट नै कि से चेक करिवे जे एक्चुअली प्रॉब्लम टा कोन अछि से प्रॉब्लम टा से रिमोटली ताको सॉल्व करबा को चेष्टा करिवे जदी हमरा रिमोटली सॉल्व होई गला देन
से माने कौन करिवे ना नेक्स्ट जहाँ सॉल्यूशन अच्छी से सॉल्यूशन से प्रोवाइड करिवे तो टेलनेट रो एक्चुअली काम होची आमे इनफॉरमेशन टाको गोटे रिमोटली आमे नेकी हमर अलग डेस्कटॉप सिस्टम को रिमोटली नेके आमे चेक करिवो ओके सो लिखो व्हाट इज टेलनेट It is a application protocol which is used on internet or local area network sir authority koi me telnet is an application protocol which is used on the internet or local area network to provide a bidirectional interactive text oriented communication text oriented communication facility using a virtual terminal connection सर वर्चुअल वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन वर्चुअली माने का हमें जो कनेक्शन करू जे मु जो कनेक्टेड करू छी क्लास कनेक्टेड करू छी दैट इज अ वर्चुअल ओके सो वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन दिस वर्ड तापर हमें पढ़ीबा WAIS 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 तो एटा से कोन कहू जी ना WAIS इट इज एन इंटरनेट सर्चिंग टूल हमें जेंति की कहि परिबा गूगल इज अ सर्चिंग टूल याहू सर्च इंजन इज देयर याहू सर्च इंजन इज अ सर्चिंग टूल्स ओके जे हमरा डिफरेंट सर्चिंग टूल अछि किंतु गूगल होछि सबटा पॉपुलर याहू भी गोटे सर्चिंग टूल रेडिफ इज आल्सो सर्चिंग टूल एडे हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन सर्चिंग कर परबा किंतु सबटा बडर डेटाबेस जोटा होछि सेटा होछि गूगल सो इट इज एन इंटरनेट सर्चिंग टूल दैट हैज कैपेबिलिटी फॉर ऑफ सर्चिंग मेनी डेटाबेस एट वन टाइम हमें जदि खाली मोबाइल बोली सर्च करबा तो से मोबाइल कीवर्ड थ्रू रे से देखेबो को कंपनी is dealing with the mobile phones samsung dekhebe vivo oppo iphone so different company site ko se humko navigate kari nahi jibo so at a time humko multiple database jo system achi se system ko humko show karibo eti so wis database index is created by a person so wais retrieve all the item from the chosen database so amara jo मोबाइल जितना चूज करवा नहीं सर्च कर देखिए
मोबाइल जो इनफॉरमेशन डाचे सेरा कोटी मैच करूची सेरा को डेटाबेस रे मैच करिवो ता तो सही इनफॉरमेशन को नेकी तमको रिट्राइव करके देखिवो हमें मोबाइल लखले से अल्टीमेटली हमको नै जीवो Samsung को नै जीवो हमको iPhone साइड को नै जीवो सो इट इज इंटीग्रेटेड विथ ऑल द डेटाबेस थ्रू द कीवर्ड हमें जितना नॉर्मली फेसबुक रे यूट्यूब जदी वीडियो बनोचे यूट्यूब रे निजर कोनोसी लिंक किसी वीडियो हमें शूट करूचे हमें कौन करवा अपलोड कलापर से गोटे कीवर्ड्स ऑप्शन अच्छे से कीवर्ड्स रे हमें किसी कीवर्ड दबा लोक प्रोबेबली को वर्ड नहीं कि मोर वीडियोटा को सर्च करी सपोज मु गोटे फूड पई गोटे व्लॉग बनाऊँची बा वीडियो व्लॉग बनाऊँची ताको द्वारा लोक यूट्यूब रे सर्च करिवे त मु सेठी कीवर्ड्स देबी जेमती कि फेवरेट फूड चिकेन लाइक गुड ग्रेवी तो एमती सब कीवर्ड सब देवे ए कीवर्ड देले लोक जदे ग्रेवी मारी कि सर्च करबे देखेबो चिकेन मारी कि सर्च करबे देखेबो सो इट इज डिपेंड्स अपॉन द द कीवर्ड दैट वी प्रोवाइड ओके सो लिखो डब्ल्यू ए आई एस वेज वेज रा फुल फॉर्म भी अच्छी ब्रैकेट लिखी दियो वाइड एरिया इनफॉरमेशन सर्वर वाइड एरिया इनफॉरमेशन सर्वर So it is an internet search tool. It is an internet search tool that has capability of searching many databases at one time Next point, the database. The capability. Capability of searching many database at one time. The database, next point, the database to be searched can be determined. By the user.
तो जितने आम मोबाइल बोली सर्च करुचे तुम देख जो गुड़ाक पपुलार मोबाइल गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक सब फास्ट पेज रे देखाए सेकेंड पेज थर्ड पेज फोर्थ पेज जाए तो यहाँ फास्ट पेज रे आउ फास्ट पोजिशन के देखे माने जो साइट टा को आम पपुलारली सर्च लोक मैंने करुँचा बेसी विजिट कर जो वेबसाइट गुड़ाक ऑटोमेटिकली रैंकिंग जाए रैंकिंग से फास्ट पेज को पलै आसे तो से कहवा कौन ना दैट वी हैव गिवन एज अ इंडेक्स ओके तो लिख यहाँ डब्ल्यू ए आई एस डेटाबेस इंडेक्स इज क्रिएटेड बाय अ पर्सन डब्ल्यू ए आई एस डेटाबेस इंडेक्स इज क्रिएटेड बाय अ पर्सन It retrieves, next point, it retrieves all item from the chosen database that contain number of words in the search phrase number of word in the search phrase then we go for the IP address after the नेटवर्क आईडेंटिफायर और आईपी एड्रेस आम जो बड़े कंप्यूटर टा को इंटरनेट रे कनेक्शन करवा तार गोटे आड्रेस क्रिएट होता है से आड्रेस टा को आम कह आईपी एड्रेस तो यहाँ देख आईपी एड्रेस केमती पाइबा ना कौन सी सिस्टम जो ओपन करवा तार कीबोर्ड रे आम विंडो बटन प्रेस करके सीएमडी लिखा सर्च रे सीएमडी लिखला कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो तो प्रत्येक सिस्टम रा आईपी एड्रेस जानवाक आमको कमांड गोटे लिखा पड़ा से आईपी कन्फिग आईपी कन्फिग रखिले ये आम पाई तर आईपी एड्रेस आईपी वी फोर एड्रेस ये कंप्यूटर एड्रेस ओके आई एड्रेस थ्रो आम इंटरनेट टाक एक्सेस कर गोटे ऑप्शन अच्छे आमर राइट क्लिक आम ठीक जीवा नेटवर्क जो नेटवर्क रही थी राइट क्लिक प्रॉपर्टीज चेंज अडॉप्टर सेटिंग then right click properties so eta ache eta ame automatic eta likhije to sethi pai eta ko amu show korni ये देख इंटरनेट आई पी भी फोर जो आम मानुआली स्टोर कर मानुआली सेटअप ये यूज कर मानुआली दबा यूज यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस धर मु मशीन टाक सर्वर करी बाईटा को मेन मशीन जब बनैबी तो मुझे निज जो स्टार्टिंग हम तार आईपी एड्रेस देवी कितना जेहेतु ये जो नेटवर्क टा मुझे एक्सेस करुच्ची यहाँ वाइफाई थ्रु एक्सेस कर तो ये वाइफाई डिवाइस टा हूँ मेन सर्वर जे कि इंटरनेट टाक डिस्ट्रीब्यूट कर
কারণ এটা অটোমেটিক আইপি অ্যাড্রেস সে তারা রিট্রাই করে। ওকে, সো ওয়ান্স দ্য নেটওয়ার্ক হ্যাজ বিন সেট আপ অল দ্য নোড কমিউনিকেশন এমং দেমসেলফ, বট ফর প্রপার কমিউনিকেশন দ্য নোড উইল বি ইউনিকলি আইডেন্টিফাই। মানে সবু সিস্টম গোটে অর্গানাইজেসন যদি সবু সিস্টম কনেক্টেড হয়ে যাচ্ছি তো তাকে সবু সিস্টম ভিতরে কমিউনিকেশন করা আমি গোটে ইউনিক আড্রেস তাকে দেবা আর ইউনিক আইডি দেবা। ইফ এ নোড এ সেন্ড সম ইনফরমেশন নোড বি অন দ্য নেটওয়ার্ক দেন ইট ইজ এ ম্যান্ডেটরি দ্যাট দ্য নোড এ অ্যান্ড বি আর ইউনিকলি আইডেন্টিফাইবল অন দ্য নেটওয়ার্ক। ইট ইজ আচিভ বাই দ্য ফলোইং ম্যানর। ফার্স্ট আমি কম করা কমিটি আমি নেটওয়ার্ক দেওয়া ইচ এনআইসি, এনআইসি হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড। প্রত্যেক সিস্টমে ইন্টারনেটটাকে বা কম্পিউটরের ইন্টারনেটটাকে অ্যাক্সেস করা হলে আমাকে ইন্টারনেট কার্ড পকাইবাকে পড়ে, তাকে কুয়াযিব এনআইসি কার্ড। সে কার্ড থ্রুরে হি আমি ইন্টারনেটটাকে অ্যাক্সেস করে পারিবা। তো ইচ এনআইসি কার্ড ইনস্টল ইন এ নোড হাজ আ ইউনিক আড্রেস আসাইন টু ইট বাই দ্য ম্যানুফ্যাকচারর। যেতবে আমি কোণে সিস্টম কিনি থাও যেমি কি আমার মোবাইল ফোনে আইএমআই নম্বর রয়েছে, আইএমইআই নম্বর রয়েছে, তো সেমতি প্রত্যেক ল্যাপটপ কিংবা আমার যে ডেস্কটপ রয়েছে তা দেহে এনআইসি নম্বরটা ম্যানুফ্যাকচারর ডিফাইন করে থাকে। আর তাকে আমি কহিপার ম্যাক আড্রেস, মিডিয়া আক্সেস কন্ট্রোল আকু কুয়া যাব ম্যাক আড্রেস। তো ম্যাক আড্রেসটা সবুলে ইউনিক রহব। ইট মিন্স দ্যাট দ্য মেশিন উইথ অ্যান এনআইসি ক্যান বি আইডেন্টিফাইড ইউনিকলি থ্রু দ্য এনআইসি অর ম্যাক আড্রেস। তো থ্রু আউট দ্য ওয়াট আমি কহিপার সার্ভিসেস আমি সে জায়গায় এটা ইউনিক রহব। তো যেতবে আমি আড্রেস দেওয়া সে আড্রেস গুড়াক আমার রহব কোটি ম্যাক আড্রেস। দ ফাস্ট ফর্মাট হাফ ইজ চারটা এম রহব, ডবল এম এম কলন এম এম কলন এম এম। তো ম্যাক আড্রেস আমি কেমতি ডিফাইন করা দেখ, ম্যাক আড্রেস যেতবে দেবা তাহলে দুইটা পার্ট রয়েছে। তুমি সেটি তো লেখ এনআইসি র ফুল ফর্ম এনআইসি, নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড এনআইসি। তারপরে হচ্ছে ম্যাক মিডিয়া অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, ম্যাক মিডিয়া অ্যাক্সেস কন্ট্রোল। ওকে, যেতলে আমি ম্যাক অ্যাড্রেস ইউজ করিবা দ ম্যাক অ্যাড্রেস ইজ এ 12 ডিজিট হেক্সাডেসিমাল নম্বর। ওকে, তুমি 10th রে পড়িথিব কম্পিউটর চ্যাপ্টর সেটি সেমতি হেক্সা ডেসিমাল নম্বর ডেসিমাল নম্বর ইউজ করা যাওয়া, তো এটি সেমতি আমি ইউজ করা হেক্সা ডেসিমাল নম্বর যাদ্বারা কি আমার 12টা ডিজিট রহব, হেক্সা ডেসিমাল 12টা ডিজিট রহব। ওকে, সো বাই কনভেনশন ম্যাক আড্রেস আর ইউজুয়ালি রিটেন ইন দ্য টু ফর্মাট, আমি দুইটা ফর্মাট লিখবা এম এম কলন এম এম কলন এম এম। সেকেন্ড ফর্মাট হচ্ছে কলন এস এস, আর দুইটা গ্রুপ রহব কলন এস এস কলন এস এস। দ ফার্স্ট হাফ রহব এম 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 এম, সেকেন্ড হাফ রহব এস 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 এস।
ओके तो एबे लिख हेडिंग दियो मैक एड्रेस मैक एड्रेस ऑफ एन एनआईसी मैक एड्रेस of NIC is permanent, which is never changes, next point, this address is 12 digit hexadecimal number. This address is 12 digit hexadecimal number. It is written as MM 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 colon MM. Okay, a format likhibo. This is a format. अरे एग्जांपल हमें किन दबा सपोज इट इज 00:A0:C9 देन अगेन आउ गोटे फॉर्मेट डाला SS फॉर्मेट 14:C8:35 ओके एडा लामा मैक एड्रेस देन हमें कौन आसीबा आईपी एड्रेस एवरी मशीन इन ए नेटवर्क हैज अनदर यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर called as IP address or internet protocol address. And IP address is group of 4 byte or 32 bit, each of can number 0 to 255. Okay, so eta koiba IP address. Every machine is on a network. Jodi network re rahibo tale tar gote IP address create karibo. Jodi network re nahi tar MAC address rahibo. तो जब नेटवर्क रे रहिला तर आ गोटे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्रिएट हबो त कहबा में आईपी एड्रेस आ एटा हमर 4 बाइट रे रहइबो और 32 बिट रे ओके 1 बाइट इज 8 बिट्स तो 4 बाइट हेले 32 बिट्स आसी तो लिखो आईपी एड्रेस
every machine, iPad, so right, an internet protocol address, an internet protocol address or IP address is a unique address that identifies a device on the internet, or a local network. Which is the set of rule governing the format of data, sent via the internet or local network. So send. Sent. Next point. It is a string numbers. Separated by periods. Next point. IP addresses are expressed. As a set of four number.